नमस्ते, राधे राधे। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और अभी अभी मैं जो है सो के उठी हूँ। और आज है संडे, इसलिए कोई जल्दी भी नहीं है, बिल्कुल मतलब बहुत आराम से उठी हूँ। अभी 7 बजे का टाइम है और यहाँ पे आके जो है आज पहली बार इतनी लेट उठी हूँ मैं। और कल से शायद और भी जल्दी उठना पड़ेगा, वैसे ही 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ेगा क्योंकि बाबू का स्कूल का मॉर्निंग स्कूल स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए तो आज जो है मैं 7 बजे उठी हूँ। अभी यहाँ पे देखिए सारे बर्तन वर्तन सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, सारे बर्तन मैं क्लीन करूँगी। सबसे पहले बेड को क्लीन करती हूँ क्योंकि सबसे पहले खाना बनाने का जल्दी नहीं है, सबसे पहले जल्दी है जो है वो है बेड क्लीन करना, घर का जो काम है बासी काम, सारा बासी काम करती हूँ उसके बाद खाना बनाऊँगी, है ना। उतना संडे है, उतना जल्दी भी नहीं है, बाबू के स्कूल की भी छुट्टी है, आज ट्यूशन की भी छुट्टी है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं इसे स्टार्ट करती हूँ और ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, घर का काम स्टार्ट करते हैं और करते हैं रूम से ही। तो ये मेरा रूम है, रूम पूरा क्लीन हो चुका है और बरामदा का जो रूम है वो भी मैंने यहाँ पे देखिए क्लीन कर लिया है। और रूम से जो हमारा बाहर का नज़ारा है कुछ ऐसा है और जो पीछे का खिड़की है इससे नज़ारा कुछ और ही है, बहुत अच्छा लगता है, आँखों को ऐसा लगता है सुकून सा मिल जाता है। पीछे खेत है, आगे हमारा ये इतना बड़ा तालाब है, देख के भी अच्छा लगता है ना। तो इसी से आज का जो मॉर्निंग रूटीन है मेरा स्टार्ट होता है। मम्मी होती तो इतना कुछ मुझे नहीं करना पड़ता, बार बार मैं ये कहूँगी और बार बार आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं मायके में हूँ। अगर मैं ससुराल में भी होती तब भी मैं ये कहती क्योंकि मेरी सास है वहाँ पे मेरे हेल्प करने के लिए। अगर वो सास कहीं घूमने जाती तो मैं ये कहती कि मम्मी घर पे होती तो मुझे इतना कुछ नहीं करना पड़ता। अगर मैं हस्बैंड के पास होती तो शायद मैं अकेली सब कुछ कर लेती, तो मुझे ये बार बार ये कहना नहीं पड़ता कि मम्मी नहीं है, सास नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इतना कुछ मुझे अकेला ही करना। तब तो मुझे पता है कि मुझे अकेला ही करना पड़ेगा। अब जब मैं मायके में हूँ, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, तब तो ये बार बार ये बोलूँगी कि मैं अकेली हूँ, मम्मी होती तो ये सब कुछ मुझे नहीं करना पड़ता, ये मैं बार बार बोलूँगी और आप लोगों को सुनना पड़ेगा जब तक मेरी मम्मी ने घर नहीं आएगी, है ना। तो मजाक कर रही थी। तो ये कभी कभी ऐसा मतलब मन से ये बात निकलती है कि मम्मी होती तो मुझे नहीं करना पड़ता, लेकिन जो है मदद तो कर देनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो बर्तन था ना, सारे बर्तन मैं धो के साफ करके रख ली थी, मतलब सेट करके उसके बाद रूम में मैं झाड़ू लगा चुकी थी, लगा के फिर मैं बाहर आ गई। बाहर यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने आंगन में झाड़ू लगाने लग गई थी। पहले हमारा जो घर था ना वो एक ही साथ चाचा ताऊ दोनों ताऊ मेरे पापा हम लोग एक ही घर में रहते, मतलब उस टाइम भी हम लोग एक साइड में जो है घर बना हुआ था, सब लोग एक साथ रहते थे। अब सब लोग अलग अलग हो गए हैं लेकिन जो है मन सबके एक ही है, मतलब ऐसा नहीं कि अलग हो गए किसी से कोई बात नहीं करता, ऐसा नहीं, सब लोग हम लोग एक ही साथ में रहते हैं लेकिन जो खाना पीना सब कुछ अलग अलग है, यही बात है। और सुबह उठ के मैं ताऊ बुला रहे थे तो ताऊ को पास जाके थोड़ी देर की मैंने बात करी, बात करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई आंगन में झाड़ू लगाने। और यहाँ पे मेरी जो है वो देखिए दादी माँ यहाँ पे खड़ी है और मुझसे बात कर रही है और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और पहले हमारा जो घर था वो एक ही साथ था, अब जो है ताऊ का जो मेरी ताऊ का घर है और आगे जो घर है जो दोनों ताऊ का घर है ना ये नहीं था, पहले ये पूरा आंगन हुआ करता था। तब हमारा इतना बड़ा आंगन था ना, कोई अगर मेरी मम्मी ताई चाची कोई भी अगर एक मतलब एक औरत अगर आंगन में झाड़ू लगाने जाती तो बहुत बहुत ज़्यादा थक जाती थी, वो दूसरा काम नहीं कर पाती थी, इतना बड़ा आंगन था। अब तो मैंने आँखों देखी बात कर रही हूँ, मैं जब मैंने खुद देखा ये सब कुछ क्योंकि मैं छोटी सी थी लेकिन मुझे सब कुछ याद है, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मुझे सब कुछ याद है कहाँ पर क्या हो मतलब क्या था क्या नहीं, अब सब कुछ बदल गया है लेकिन पहले की जो बात है ना वो मुझे अच्छे से याद है। और कोई अगर मुझे अभी पूछेगा ना कैसे क्या था कहाँ पे क्या चीज़ हुआ करता था, मैं सब कुछ डिटेल्स में उसे बता सकती हूँ, मतलब सब कुछ याद है मुझे। लेकिन बहुत सारी बात है कि याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ बात है मुझे अच्छे से याद है तो वही बात है। और सर्दी जुकाम के मारे मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, मैं जब
वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो खांसी आ रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। और उसके बाद वही बात है कि पहले ज़माने की बात ही कुछ और थी, औरतें इतना सारा काम करके भी इतना फिट, मतलब सब लोग रहते थे, अब हम लोग इतना कम, जो काम इतना कम हो गया, इतना घर का काम इतना कम करते हैं, फिर बस सारा काम ही करते हैं, लेकिन छोटा छोटा रूम होता है उसे क्लीन करने में कितना टाइम ही लगता है ना। और पहले देखो इतना बड़ा बड़ा आंगन रूम हुआ करता था, उसमें टाइम लगता था, फिर भी देखो अब पहले से ज़्यादा अब हम लोग थक जाते हैं। अब देखो पहले से ज़्यादा औरतें बीमार भी पड़ती हैं, औरतें क्या आदमी भी बीमार पड़ते हैं, और पहले से ज़्यादा हम लोग अनफिट हो गए हैं, काम कम करती हैं फिर भी सबसे ज़्यादा बीमार हम लोग ही रहते हैं, है ना। तो ये बात है। उसके बाद देखिए आंगन में झाड़ू लगाने के बाद आप लोगों से बात करते करते बहुत सारे काम मैंने कर ली। उसके बाद बाबू उठ गया था, मतलब बाबू तो पहले ही मेरे साथ ही उठ गया था, और बाबू को मैंने ब्रश कराए, हाथ मुँह धुला के फ्रेश कर दिया है, और बाबू का ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। बाबू ब्रेकफास्ट में दूध बिस्किट ही ज़्यादातर खाता है, और यहाँ पर इसलिए मैंने दूध गर्म करके वहाँ पर चार पाँच बिस्किट, मेरी बिस्किट है ये, और जो मीठा वाला बिस्किट होता है ना, गुड्डे वगैरह, वो दूध के साथ बाबू बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं ज़्यादातर मेरी बिस्कुट ही देती हूँ। तो दूध बिस्कुट खाने के बाद आज है संडे, तो संडे के दिन बाबू को मैं पढ़ाई के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ, संडे के दिन उसे मैं कलर पेंसिल दे देती हूँ, कलर बुक दे देती हूँ ताकि वो कलर करे, तो उसे अच्छा लगता है पेंटिंग करना। मैं सोच रही हूँ एक पेंटिंग के लिए टीचर मैं रख दूँ ताकि वो अच्छे से सीख पाए। और बाबू के स्कूल में ना सब कुछ प्रैक्टिकल कराता है, तो वहाँ पर भी उसका ज़रूरत है पेंटिंग सीखने का, तो इसलिए मैं अभी से बाबू को मैं पेंटिंग सिखाने के लिए मतलब वहाँ पे दे दूँगी, और घर पे आएंगे टीचर और घर पे बाबू सीख पाएगा आराम से। तो वही बात है, और बाबू को बाबू कलर जब तक कलर कर रहा था ना, तब तक मैंने चावल बना लिया था, और जो भिंडी देखा आप लोगों ने, वो भिंडी मैंने बॉयल करने के लिए रखी थी, क्योंकि बाबू का पेट थोड़ा सा मतलब ख़राब है, इस टाइम बॉयल खाना उसे ज़्यादा खाना चाहिए, इसलिए बाबू को मैं मॉर्निंग में चावल के साथ बॉयल भिंडी दूँगी ताकि उसका पेट जल्दी ठीक हो जाए। और उसके बाद लंच के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ करेला आलू की भाजी और फिश बनाऊँगी, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, और चूल्हे में जो है खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, चूल्हे के पास बैठे रहो तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मेरा मन है आज गैस पे बनाऊँ, तो मैं आज गैस पे बना रही हूँ। कल पापा जो है बहुत ज़्यादा मच्छी लेके आए थे, तो मैंने तो कुछ मच्छी जो है फ्रिज में उठा के रख दिया था, अब वही फ़िश करी मैं आज बनाऊँगी, और कुछ अलग तरीके से बनाऊँगी, आप लोग देखना। और यहाँ पर जो है करेला आलू की जो भाजी बिल्कुल बनके रेडी हो गया था, उसके बाद फ़िश को मैंने यहाँ पे लाल लाल करके फ्राई कर लिया, और ये जो फ़िश है ना बहुत ज़्यादा फटता है फ्रेंड्स, मतलब पास में खड़े रहो तो आपका हाथ मुंह जल सकता है, मतलब इतना ज़्यादा फटता है। तो फ़िश फ्राई करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, कुछ अलग तरीके से मैं बनाऊँगी। और उसके बाद तेल में देखिए, जिस तेल में मैंने फ़िश फ्राई किया था उसी तेल में एक प्याज मैंने यहाँ पे काट के फ्राई करने में लग गई थी, और तो प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का यहाँ पे मैं जो है प्याज फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए हल्का सा मैंने प्याज फ्राई कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने परमल और आलू यहाँ पे मैंने काट के क्लीन करके मतलब धो के रख लिया था, वही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से मुझे फ्राई करना है। और फ्राई करने से पहले यहाँ पे मैं ऐड करूँगी नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है, और नमक ऐड करने के बाद अच्छे से नमक के साथ सब्ज़ी मिला लेना है, और परमल और आलू को ढक के जो है फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए परमल और आलू को मैंने यहाँ पे लाल लाल करके फ्राई कर लिया है, और परमल और आलू से मैं आज फिश करी बनाऊँगी। अब लोग ये मत सोचना सब्जी से फिश करी कौन खाता है, बंगाल है और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सब लोग सब्जी के साथ भी फिश बनाते हैं, इसका टेस्ट भी कुछ अलग होता है, सब सब्जी से नहीं बनता है, कुछ कुछ सब्जी ऐसा है कि बनता है उसके साथ फिश। और इसके बाद यहाँ पे मैंने अदरक जीरा और सूखी लाल मिर्च पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया, और मसालों को अच्छे से पकाया, हल्दी ऐड किया मैंने, और थोड़ा सा पानी, और पानी देखिए यहाँ पे उबाल आ गया है, इसमें मैं ऐड करूँगी फ़िश जो मैंने फ्राई करके रखी थी, वही फ़िश यहाँ पे मैंने ऐड कर दूँगी, और थोड़ी देर के लिए फ़िश के साथ सब्जी को थोड़ी देर और पकाऊँगी। और आप यहाँ पे जीरा और धनिया का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, मैं बहुत हल्का पतला फ़िश करी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में हल्का पतला खाना
खाना ही अच्छा है। और खाना मतलब सब्जी बनाते बनाते ही मतलब मेरा खाना बनाना भी ख़त्म हुआ और यहाँ पे भाभी चिल्लाने लगी, सपना जल्दी आओ पापा जल्दी आओ, आके देख रही हूँ यहाँ पे इतना बड़ा सांप है ना, ताई की जो किचन है यहाँ से निकला ये सांप, और घर में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो डर तो लगा ही रहता है, तो ताऊ यहाँ पे आ गए थे सांप को भगाने। फ्रेंड्स अभी जो है आफ्टरनून का 2 बजे का टाइम है और बाबू यहाँ पे लंच करके झूले पे झूला झूल रहा है और तरबूज खा रहा है, क्योंकि आज अचानक से रोने लग गया, मुझे झूला झूलना है, तो मैं मम्मी के एक धोती से इस तरीके से झूला बना दिया गेट के आगे, तो यहाँ पे झूला झूल रहा है। और ये देखिए सारा धान है कट्टे में और इस साइड पर भी सारा धान है, ऐसे ढक के रख दिया ताकि पानी ना गिरे इसके ऊपर, पानी गिरता है तो धान ख़राब हो जाएगा, तो ये बात है। और हम लोग लंच कर चुके हैं, मैं भी लंच कर चुकी हूँ, बाबू को भी खिला दिया है, और पापा मेरे अभी नहीं खाएंगे क्योंकि पापा सुबह का खाना थोड़ा सा लेट खाए थे ना, इसलिए लंच भी लेट ही करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही 3-3:30 बजे लंच करते हैं लोग दोपहर का, तो दोपहर में ही लंच होता है ये बात है। मैं क्या पता नहीं यहाँ पर आके क्या बोलती हूँ, मुझे भी पता नहीं चलता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, तो जो भी हो। और मेरा हालत बहुत ही ख़राब है, ठंड और सर्दी जुकाम के वजह से ना गला भी बैठ गया है और नाक पूरा बंद है तो ये बात है। बाबू यहाँ पे खा रहा है तरबूज, और बाबू को मैंने मतलब लेट गई थी बाबू को लेके कि बाबू थोड़ी देर के लिए सो जाए तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँगी, लेकिन सोया नहीं बिल्कुल भी, फिर उठ के आ गए यहाँ पे खा रहा है तरबूज, उठ के आ गए कि मुझे नहीं सोना है, तो वो नहीं सोएगा तो मैं भी नहीं सो पाऊँगी, मम्मी होती तो मैं सो जाती, तो मम्मी नहीं है तो बाबू को कौन देखेगा ना, तो इसीलिए उसे देखभाल के लिए मैं भी नहीं सो पाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नए किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।